जी नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। आज मैं सुलिस गेट से 31 में मिलने वाली रास्ता सतीश नगर की ओर हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि सतीश नगर का रास्ता इतना ख़राब है जिसका कोई हिसाब नहीं। सुलिस गेट से चलते हैं तो हम लोग NH 31 चढ़ते हैं, वहाँ से हम लोग खगड़िया और भागलपुर की ओर जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रोड की क्या स्थिति है। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, यहाँ पे इतनी भयावह स्थिति है। चलिए, हम यहाँ के कुछ आम जनता हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब आप इस रोड से गुजरते हैं तो इस रोड में कितना भयावह लगता है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रताप मुनि। बताइए क्या दिक्कत इस रोड में? रोड तो देखिए रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का न विधायक ध्यान दे रहा है, न कोई ध्यान दे रहा है, और क्या बताएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका कहना हुआ कि यहाँ के कोई आम विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूँ कि इस रोड को प्रवक्ता विधायक आरन सिंह जी के द्वारा मरम्मत भी करवाया गया था। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौधरी। क्या दिक्कत है सर आपको इस रोड में, जब बार बार जाते हैं क्या दिक्कत है? रोड तो कभी ठीक रहता ही नहीं है, कभी पता नहीं कब ठीक होता है, कभी खराब होता है, कोई पता नहीं चलता है, ठीक भी होता है लगता है खराबे है, कभी अच्छा रहा ही नहीं है रोड। इनका कहना हुआ कि कभी यह रोड जो है आज तक अच्छा नहीं रहा, यानी जब भी बारिश होती है तो यहाँ की स्थिति उतनी खराब हो जाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए हम इन भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। क्या दिक्कत इस रोड में? रोड तो दिक्कत तो देख ही रहे हैं, हमेशा का यही हाल है, जब भी वर्षा का समय आता है रोड का यही हाल हो जाता है। मरम्मत तो होता है बस नाम का, वोट के लिए बस, और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है इस रोड में, जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो क्या लग रहा है आपको इस रोड में? क्या लगता है, यहाँ तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है अगर संभल के नहीं चला जाए तो, कुछ भी हो सकता है। यानी इस रोड में कभी भी दुर्घटना हो सकती है यदि हम संभल के ना चलें तो। उसकी सारा करता है। आप बढ़िए यहाँ पे जितने भी मोटरसाइकिल हो, चार चक्का हो, जितने भी आदमी यहाँ से गुजरते हैं उनका यही कहना है कि हम लोग गुजरते हैं जब यहाँ से तो भगवान भगवान करते हैं। यहाँ पे कभी भी जिस तरह से यहाँ की समस्या बनी हुई है, कभी भी हम लोगों के साथ अप्रिय घटना हो सकती है। चलिए हम इन भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवल चौधरी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है, यहाँ रोडे नहीं है, किसी तरह जा रहे हैं। कब पलटी होगा, कब क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब से जाते हैं इस रोड में आप? इस रोड से बहुत दिनों से जा रहे हैं। बहुत रोडों से जा रहे हैं? हाँ। तो आप बताइए कि इस रोड में जब आप रोज गुजरते हैं तो आपको यह भी पता है कि कब क्या स्थिति होगी, फिर भी आप इस रोड होकर के जाते हैं, आखिर क्यों? नारायणपुर मार्केट में जाम लगता है इसलिए इस होकर के निकलते हैं। यानी इनका कहना हुआ कि हम लोगों को सुविधा है इसी होके जाने का, हम लोग का मुख्य मार्ग यही रोड है। चलिए हम इस भाई साहब से पूछते हैं कि आप जो जाते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अखिलेश सिंह। बताइए इस रोड के विषय में। बुरा हाल है रोड तो, चलने में मुश्किल हो रहा है। चलने में मुश्किल हो रहा है और क्या, पैदल चलने में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी आदमी गुजर रहे हैं सबों का एक ही कहना है कि बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए पवन कुमार सिंह की।